हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आंध्र प्रदेश सर्कल के बारे में। जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 2020 वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे हुए वो सारे हम देखेंगे। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट ये ले सकते हैं। तो इसमें आपको जीके, आपका मैथमेटिक्स और डिपार्टमेंट का तीनों का ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इसमें हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया हुआ है। तो आप चाहे इसको भी ले सकते हैं, हमें जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 2020 आंध्र प्रदेश सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सर्कल वाज फॉर्म्ड ऑन। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश सर्कल है इसका गठन कब किया गया था? तो हमारे पास जितने भी आप जिस सर्कल से बिलोंग करते हैं, आप अपने सर्कल की कब फॉर्मेशन हुई या कब आपका सर्कल बना है, कितने डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें, पोस्टल स्टोर डिपो जैसे सर्कल स्टैम्प डिपो, ये सारी चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। और आपका स्टेट कब बना ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीके में ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 फरवरी 2017। तो ये बना था 2/2/2017 को। विच पोस्ट ऑफिस फंक्शंस फॉर 5 आवर्स। कौन सा डाकघर 5 घंटे काम करता है? तो हमारा जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है मैक्सिमम 5 आवर्स इसके वर्किंग आवर्स होते हैं 5। ब्रांच ऑफिस बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड बाई। तो हमारे जो शाखा कार्यालय होते हैं उनके कामकाज के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं? सब डिविजनल हेड के द्वारा। विच स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो डाक के भुगतान के लिए कौन से टिकटों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो हमारी जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं उनका हमारे पास जो भुगतान के लिए इनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाई। सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट द्वारा भेजा जा सकता है। तो इनको सिर्फ इंश्योर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास मशीन फैक्ट आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्सेस एंड इन मेल वैन्स वेदर दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो मशीन फैक्ट आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? लेटर, जो डाकघर के लेटर बॉक्स होते हैं या मेल वैन में पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कथन हमारे पास बिल्कुल सही है। इनको कहाँ पे लेके आना चाहिए? पोस्ट ऑफिस की विंडो के ऊपर इनको पोस्ट करना चाहिए। The sender of a postal article posted in India may have it withdrawn from the post or have its address altered provided the article is. तो अगर क्या है कि हमारे पास अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है उसे इंडिया से पोस्ट किया गया है, तो अगर उसको डाक से निकालना है या फिर उसका जो पता है उसमें परिवर्तन करना है तो ये कब संभव है? तो इसमें वो डिलीवर नहीं हुआ होना चाहिए पहली बात, तो ना ही वो सीज हुआ होना चाहिए और ना ही वो कन्फिस्केटेड यानी कि जब्त किया गया होना चाहिए। इन दोनों का मतलब, सीज्ड और कन्फिस्केटेड का मतलब जब्त करना ही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कुछ भी ना हुआ तो ठीक है, उस एड्रेस का जो आर्टिकल है उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और उसको डाक से भी निकाला जा सकता है। If the addressee fails to take delivery on presentation of the registered article, it can be kept in post office for a period of at the request of the addressee. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि पहली प्रेजेंटेशन के बाद यानी कि पहले बार जब प्रस्तुत करने के बाद कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है उस वो पहली बार में डिलीवर नहीं हो पाता है तो उसको कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस में रखा जा सकता है? अगर एड्रेसी रिक्वेस्ट करता है तो 7 दिन के लिए। उसके बाद है पार्सल बीइंग अबव इन वेट विल बी डिलीवर ओनली एट दी पोस्ट ऑफिस विंडो। तो कितने किलोग्राम से अधिक होने पर कोई पार्सल जो है उसकी डिलीवरी केवल पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही की जाएगी, तो 10 किलोग्राम के ऊपर होने पर। दी एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे दी अमाउंट ड्यू ऑन इट टू दी पोस्ट ऑफिस इफ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट इन विच सर्कमस्टांस बट शुड बी द रिमार्क ऑफ डिलीवरी स्टाफ ऑन दी आर्टिकल। तो अगर कोई भी आर्टिकल है अगर उसका जो एड्रेसी है वो उस आर्टिकल को नहीं लेना चाहता है तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि उसके ऊपर अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है तो वो पोस्ट ऑफिस को पे करेगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो मना कर देता है कि वो आर्टिकल नहीं लेना चाहता है तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? तो उसके ऊपर रिफ्यूज्ड लिखा जाएगा, मना किया हुआ। Newspapers posted in letter boxes are not admissible to the reduced rate of postage for the registered newspaper whether the statement is correct। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है तो वो उसको एक कंसेशन रेट, इसको एक क्या मिलता है? कंसेशन मिलता है, उसमें एक छूट मिलती है, वो उसको नहीं मिलेगी अगर वो क्या करता है? इसको लेटर बॉक्स में डाल देता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगी कि न्यूज़पेपर पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेज आर नॉट एडमिसिबल टू द रिड्यूस्ड रेट ऑफ पोस्टेज फॉर द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे कि उसका अगर कोई भी लेटर बॉक्स में डाल दिया हुआ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तो उसको जो छूट मिलती है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को वो नहीं मिलेगी। Any person residing within the ordinary beat of the postman can have all letters and other postal articles regularly during business hours at the window of the post office free of charge. Name the facility. तो कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है जो पोस्टमैन की ऑर्डिनरी बीट में रहता है, यानी कि उसकी जो बीट है उसमें ही रहता है, बट वो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस विंडो पर आकर जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस आवर्स होते हैं, वहाँ पे आके वो अपने आर्टिकल खुद ही ले रहा है, और ठीक है, तो इस फैसिलिटी को क्या कहा जाता है, तो इस फैसिलिटी को क्या कहा जाता है, विंडो डिलीवरी। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगते, आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन नीड टू बी ट्रीटेड एज, तो अगर कोई भी आर्टिकल है मृतक व्यक्ति को प्रेषित किया गया है तो उसे क्या माना जाएगा, अनक्लेम्ड आर्टिकल माना जाएगा। वेदर नोक्शियस लिविंग क्रिएचर इज परमिसिबल फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, तो कोई भी हमारे पास जीवित प्राणी, हानिकारक जीवित प्राणी है, उसको क्या ट्रांसमिशन किया जा सकता है उसका पोस्ट के द्वारा, उसको डाक से भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है, इसका आएगा नो। मैक्सिमम परमिसिबल वेट ऑफ एन आर्टिकल दैट कैन बी बुक्ड अंडर स्पीड पोस्ट इन इंडिया, तो इंडिया में स्पीड पोस्ट जो होती है, अगर कोई आर्टिकल आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से बुक करते हैं तो मैक्सिमम उसका वेट कितना हो सकता है, 35 किलोग्राम्स। बट इज द कंपनसेशन पेएबल इन केसेस ऑफ डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, अगर कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसकी हमारे पास डिलीवरी में देरी हो जाती है तो क्या मुआवजा मिलता है, तो स्पीड पोस्ट चार्जेस मिलते हैं, और अगर उसमें कोई थेफ्ट हो जाए, लॉस हो जाए, तो कितने मिलते हैं, डबल ऑफ दी स्पीड पोस्ट, या फिर 1000 बिचेज में से जो भी कम होगा वो दिए जाते हैं, ठीक है, या डबल ऑफ दी, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस और ₹1000 विच एवर इज लेस, ठीक है, दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन होगी है स्पीड पोस्ट चार्जेस। अंडर बिजनेस पार्सल ई कॉमर्स प्लेयर्स कैन अवेल ऑफ कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अप टू, तो बिजनेस पार्सल के तहत जो ई कॉमर्स हमारे पास प्लेयर्स होते हैं उनको कितनी तक वो कैश ऑन डिलीवरी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, तो 50,000 रुपीज़ तक। इन लॉजिस्टिक पोस्ट द टर्म FTL रेफर्स टू, तो हमारे पास जो लॉजिस्टिक पोस्ट होती है इसमें FTL जो वर्ड आता है इसका क्या मतलब होता है, फुल ट्रक लोड, और एक LTL होती है उसका क्या मतलब होता है, लो ट्रक लोड। मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज्ड इन एन एनवलप एंड एड्रेस्ड, तो हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे पास लेटर की डेफिनेशन है कि लेटर मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज्ड इन एन एनवलप एंड एड्रेस, कोई भी ऐसा संचार जो किसी लिफाफे में बंद हो, जिसे किसी पते पर भेजा गया, उसको क्या कहते हैं, हम लेटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बट इज़ दी मैक्सिमम परमिसिबल वेट अंडर बुक पैकेट, तो बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 5 किलोग्राम्स। The weight of an unregistered parcel should not exceed, तो एक unregistered parcel का maximum weight कितना हो सकता है, 4 किलोग्राम, इससे ज़्यादा हम बुक नहीं कर सकते हैं। Any parcel found in a letter box will be treated and charged as, तो हमारे पास अगर कोई भी पार्सल मिलता है लेटर बॉक्स में तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो भी रजिस्टर्ड पार्सल के लगेंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नीड्स टू बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन, तो जो पंजीकृत समाचार पत्रों को अधिक संख्या में कितने अंतराल के भीतर प्रकाशित करना आवश्यक होता है, तो 31 डेज के भीतर, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी। इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया, तो हमें बताना है इनमें से कौन है जिसका ट्रांसमिशन सिर्फ इंडिया में ही किया जा सकता है, तो इनलाइन लेटर कार्ड जो होते हैं इनका ट्रांसमिशन सिर्फ इंडिया में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पोस्ट कार्ड्स कंटेनिंग कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड बाय प्रिंटिंग, साइक्लो स्टाइलिंग और बाय एनी अदर मैकेनिकल प्रोसेस आर क्लासिफाइड एज, तो हमारे पास कोई भी पोस्ट कार्ड जो हमारे पास प्रिंटिंग के द्वारा, साइक्लो स्टाइलिंग या किसी अन्य मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसके ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन या संचार है उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको दर्ज किया गया, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेपर्स ऑफ एनी काइंड पीरियडिकल्स एंड बुक्स फॉर द यूज ऑफ ब्लाइंड आर इम्प्रेस्ड इज अलोड टू बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, तो हमारे पास जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए अगर कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जा रहा है, चाहे उसमें पत्रिकाएं हो, चाहे पत्र हो या पुस्तकें हो, तो वो किस तरह से होनी चाहिए, ब्रेली भाषा में होनी चाहिए, ठीक है, इसी में इसको अलो किया जाता है, बाकी और तरह का अगर कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको अलो नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल इज़ कंपल्सरी इफ़ दी आर्टिकल इज़, तो कौन से आर्टिकल की जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है वो कंपल्सरी, अनिवार्य है। ए पार्सल बेइंग मोर देन 4 किलोग्राम, तो हाँ इसकी कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन होनी। इंश्योर्ड आर्टिकल इसकी भी कंपल्सरी है। वैल्यूएबल आर्टिकल इसकी भी कंपल्सरी है। ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी ही इनकी रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। द कंपनसेशन पेएबल इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक इन पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन केस लॉस, टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेजेस, तो कितना कंपनसेशन मिलता है अगर कोई भी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है इंडिया में बुक हुआ हो, अगर वो लॉस हो जाता है, टोटल थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाती है या डैमेज हो जाता है, तो कितना मिलता है, 30 SDR। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर इंश्योरेंस मस्ट बी प्रेजेंट। अगर कोई भी आर्टिकल है उसकी इंश्योरेंस करनी है तो उसे कहाँ पे लेके आना पड़ता है, तो उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पर लेके आना पड़ता है। बट इज दी मैक्सिमम वैल्यू फॉर वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल, तो बीपी आर्टिकल की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, 5000 रुपीज़, क्योंकि हमें पता है वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल के साथ क्या लगता है, बीपीएमओ वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर लगता है, और मनी ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 5000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिसेज कोल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिसेज विच हैव बीन प्लेस्ड अंडर इट्स अकाउंट्स ज्यूरिडिक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफिस की डेफिनेशन है कि एक समूह जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ये स्वयं हमारे पास होता है जो मेन ऑफिस होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रुप होता है एक पोस्ट ऑफिस का जिसमें ये स्वयं आता है, और इसके नीचे हमारे पास ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस आते हैं जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, हेड ऑफिस कहा जाता है। हमारे पास हेड ऑफिस की डेफिनेशन है। ए सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर आल्सो अ हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज। तो किसी नगर या उपनगर में स्थित, हमारे पास टाउन यानी कि किसी नगर या उपनगर में स्थित सब ऑफिस उप डाकघर यानी कि जहाँ पर हमारे पास हम हेड ऑफिस भी स्थित हो तो उसको क्या कहा जाता है, उस नगर का उसको कहा जाता है टाउन सब ऑफिस। उसके बाद इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर स्टेटस दैन सब ऑफिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब ऑफिस के नीचे कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है, हमारे पास ब्रांच ऑफिस, ठीक है, सबसे ऊपर हेड ऑफिस, उसके बाद हमारे पास सब ऑफिस और सबसे नीचे ब्रांच ऑफिस। इज ए बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल्स लेटर्स पोस्ट कार्ड्स बुक्स एंड पैटर्न पैकेट्स एंड आल्सो अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो एक बैग जिसमें पत्र मेल के अपंजीकृत और पंजीकृत लेख होते हैं जैसे पत्र पोस्ट कार्ड पुस्तक पैटर्न पैकेट अपंजीकृत पार्सल आदि, तो उसको क्या कहा जाता है, मेल बैग कहा जाता है। Which bag contains cash bag, ordinary and VP registered letters and packets, insured envelopes, registered bundles, insured bundles, ordinary and valuable articles and registered list। तो किस बैग में कैश बैग साधारण और VP पंजीकृत पत्र और पैकेट बीमाकृत लिफाफे पंजीकृत बंडल बीमित बंडल साधारण और VP लेख और एक पंजीकृत सूची होती है। तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड बैग होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ए टर्म मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड ऑफ वर्ड्स एंड दी एड्रेसेस टर्न इन दी सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास हमें बताना है कि किसकी डेफिनेशन है कि आर्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करना, इस तरह से व्यवस्थित करना ताकि उनके जो पते वाला भाग है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, हमारे पास फेसिंग कहा जाता है, इसको सम्मुखन करना कहा जाता है। The term is used to denote the area within which the postmen are required to perform their respective duties। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र को हमारे पास डिनोट करने के लिए जिसमें कोई भी हमारे पास डाकिया होता है अपने कार्यों का वहन करता है, कार्यों का पालन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता है, गश्त कहा जाता है। कैंप कोरेस्पोंडेंस इज इंटेंडेड फॉर हाई ऑफिसर्स ओन। तो हमारे पास जो कैंप कोरेस्पोंडेंस होता है, जो कैंप पत्राचार होता है, किसके लिए होता है, जो हाई ऑफिसर जब टूर पर जाते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद हमारे पास लेटर्स आर स्टैम्प्ड डिटेंड लेट फी नोट पेड एंड डिटेंड टिल दी नेक्स्ट डिस्पैच। तो ऐसे लेटर्स जिनके ऊपर ये मोहर लगाई जाती है डिटेंड लेट फीस नोट पेड निरोधित विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें अगले डिस्पैच तक अगले प्रेषण तक क्या करके रखा जाता है, डिटेन करके रखा जाता है, रोक के रखा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, टू लेट लेटर्स। अगर उनको हमारे पास उनके ऊपर जो भी हमारे पास चार्जेस बनते हैं लेट फीस के साथ उनको पे कर दिया जाए तो उनको उसी दिन के साथ भेजा जाता है, बट उनको क्या कहा जाता है, लेट लेटर्स। The letters are presented at the window of a post office after the prescribed hours of closing the mail, but within the interval allowed for posting of letters with additional fees, name it। तो डाक को बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद लेकिन अतिरिक्त शुल्क के साथ पत्र पोस्ट करने के लिए जो हमारे पास अनुमत अंतराल के भीतर पत्र डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है लेट लेटर्स, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, जो हमारे पास डाक को बंद करने के समय उनके बाद प्रेजेंट किया जाता है, बट क्या उसके एक अंतराल दिया जाता है कि हाँ इतने समय में अगर आप आते हैं तो उसको लेट फीस के साथ पोस्ट किया जा सकता है, और अगर आपने उसके लेट फीस लगा दी है तो उसको उसी दिन पोस्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं लगाई है तो उसको क्या किया जाएगा, के ऊपर स्टैंप लगेगी। हमने पिछला क्वेश्चन किया कि डिटेंड लेट फी नोट पेड और उसको अगले प्रेषण तक डिटेन करके रखा जाएगा। उसके बाद पोस्टमैन हु आस्क फॉर और रिसीव अ कमीशन और प्रेजेंट ऑन पेइंग अ मनी ऑर्डर इज लायबल फॉर। तो अगर कोई भी डाकिया है जब वो मनी ऑर्डर डिलीवर करता है तो वो कमीशन के लिए बोलता है या फिर ऐसी चीज़ के लिए बोलता है तो उसको क्या किया जाता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और से सर्विस से हटा दिया जाता है। कैन बी असाइंड विद पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स वेरिफिकेशन ऑफ मनी ऑर्डर्स पेड बाई अदर पोस्टमैन स्टाफ एंड इंक्वायरी ऑफ माइनर कंप्लेंट्स। ए डाकिया जो मनी ऑर्डर का भुगतान करने तो यहाँ पे क्या हमारे पास बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक ऐसा पोस्टमैन, ठीक है, जो हमारे पास दूसरे पोस्टमैन के साथ जाता है जो मनी ऑर्डर की पेमेंट करने के लिए या जो मनी ऑर्डर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए या फिर दो छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, उनकी इंक्वायरी करने के लिए। तो किसको असाइन किया जाता है, किसको बोला जाता है? हेड पोस्टमैन, जो प्रधान डाकिया होता है, उसे बोला जाता है। should know the tariff of inland postage commission of on money orders, the charges for insurance and registration of articles while on beat। तो किससे ये उम्मीद की जाती है कि उसे इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इनलैंड पोस्टेज के बारे में, मनी ऑर्डर के ऊपर कितना कमीशन लगना है या इंश्योरेंस के लिए कितने चार्जेस लगने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आर्टिकल के, उसके ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें किसको पता होनी चाहिए? तो जो हमारा पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, क्योंकि वही बीट में जाता है, वही लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। द अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर में भी इशूड शुड नॉट एक्सीड, तो वह राशि जिसके लिए एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं हम कर सकते हैं? 5,000 रुपये से अधिक मनी ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं। इफ़ एन आर्टिकल इज डिलीवर्ड बाई अ पोस्टमैन टू एन इलिटेट डिपोजिटर इट नीड्स टू बी विटनेस्ड एंड अटेस्टेड बाई दी, तो यदि कोई भी वस्तु है जो हमारे पास अनपढ़ व्यक्ति को दी जाती है तो उसे किसके द्वारा, जो उसके ऊपर हमारे पास उसकी जो विटनेस होगी कौन डालेगा? तो जो पोस्टमैन होता है वही उसके ऊपर विटनेस डालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरएमएस सॉर्टिंग ऑफिसेज द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ दी हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। तो आरएमएस और सॉर्टिंग ऑफिसेज में जो इंश्योरेंस सील होती है वो किसकी कस्टडी में रहती है? तो वो हमारे पास हेड सॉर्टिंग की कस्टडी में रहती है और वही इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, अभिरक्षा के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। Each set of section is supplied with a lock and a key bearing the designation of the section and the number of the set to which it belongs printed on it। अनुवाद के प्रत्येक सेट को एक ताला और चाबी के साथ एक यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ जाता है, आपूर्ति की जाती है, जिस पर अनुवाद का पदनाम लिखा होता है और उस सेट की संख्या जिस पर वह चित्रित होता है। क्या दिया जाता है? पोर्टफोलियो दिया जाता है। Who will supply the stationery rate list for supply of stationery items टू सेट एंड सेक्शन ऑफ मेल ऑफिस। तो हमारे पास जो स्टेशनरी रेट लिस्ट होती है प्रत्येक सेक्शन या जो मेल ऑफिस होते हैं किसके द्वारा उसको सप्लाई की जाती है? तो हमारे पास जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा ये सप्लाई की जाती है स्टेशनरी रेट लिस्ट। हु विल प्रिपेयर डेली रिपोर्ट MS-83 फॉर सबमिशन टू सुपरिटेंडेंट, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा बनाई जाती है हमारे पास जो डेली रिपोर्ट होती है MS-83। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ऑफ सेक्शन शोज द स्टेशन एंड दैट ऑफ मेल ऑफिस दी आवर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड ऑफ। तो एक अनुभाग उन स्टेशनों और डाक कार्यालयों के घंटों को दर्शाता है जिस पर डाक प्राप्त और भेजे जाते हैं। तो कौन सा होता है हमारे पास, क्या चीज़ दर्शाती है? ड्यू मेल लिस्ट में ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि अनुभाग या स्टेशनों के जो हमारे होते हैं डाक कार्यालय के घंटों को दर्शाता है जिनमें डाक प्राप्त होती है या भेजी जाती है। रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स बैक्टीरिया एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट का जो वो हमारे पास डिपार्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमारा जीके शुरू होता है। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जितना भी है, तो आप हमसे MCQ फॉर्मेट में ही ले सकते हैं और खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए हम इनको जल्दी से कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो इनको पहले हम सभी को टिक करेंगे, देन उसके बाद ही हमारा ये सबमिट हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं 20 के करीब क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप चाहें तो इनको खुद सॉल्व करना चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं इन्हें। ठीक है, MCQ के फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे ताकि आप इनको खुद सॉल्व करें और आप अपनी तैयारी का हिसाब लगा सकें कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब सबमिट। तो यहाँ पर ये बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने इसको, चलिए यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन पूछी हुई थी FTL का मतलब क्या होता है, तो फुल ट्रक लोड। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं इसको। यहाँ पे व्यू स्कोर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम व्यू स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे नीचे हमारे पास कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने लगभग सही दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गलत लिख दिया था। ठीक है, हमने जब पढ़ा था क्या पढ़ा था, FTL यानी कि फुल ट्रक लोड। तो यहाँ पे नीचे आंसर बता दिए क्योंकि हमने गलत कर दिया। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमें पता चल गया है। उसके बाद और नीचे हम देखते हैं कोई क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ हो। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी के, यहाँ पे भी आपके अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके सही आंसर्स आपको नीचे लिखे हुए हैं, तो आप खुद सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद अपने आंसर्स भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैथमेटिक्स का भी है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।